हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री हैं। रामायण की कथा में एक जगह वर्णन आता है कि मूर्छित लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय की गुफाओं से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे। त्रेता युग की यह कहानी आज सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि संजीवनी बूटी सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि वास्तव में है और इसकी रहस्यमय खुराक आखिर सच में इंसान को जीवित कर देती है तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, संजीवनी की सच्चाई की जांच पड़ताल करने से पहले आइए जान लेते हैं रामायण की वो प्रसिद्ध घटना जिसमें इस चमत्कारी बूटी का वर्णन है। राम रावण युद्ध के दौरान रावण के बेटे मेघनाद द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब विभीषण के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण आते ही कहते हैं कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है चार बूटियां, मृत संजीवनी, विशालाया करणी, सुवर्ण करणी और संधानी बूटियां। ये सभी बूटियां सिर्फ हिमालय पर मिल सकती थी। हनुमान आकाश मार्ग से चलकर हिमालय पर्वत पहुंचे। सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था, यानी कि वो ऐसी चमत्कारी बूटी थी जो रात को अंधेरे में चमकती थी। लेकिन हनुमान जैसे ही पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा पहाड़ ही चमक रहा है। ऐसे में पहचान ना पाने के कारण हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठा ले आए। पहाड़ लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे, हनुमान ने पहाड़ वहीं रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण ठीक तो हो गए और राम ने भी रावण को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन हनुमान का लाया वो पहाड़ वहीं रखा रहा। दोस्तों, यहां पर हम अपने दर्शकों से एक बात जानना चाहेंगे कि क्या आपने पहले से ही रामायण का ये अद्भुत प्रसंग पढ़ या सुन रखा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रुमासला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। उनावटाना का मतलब ही है कि आसमान से गिरा। श्रीलंका के दक्षिणी समुद्र किनारे पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लाए पहाड़ के टुकड़े गिरे थे। इनमें रुमासला हिल सबसे अहम है। खास बात यह है कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां की जलवायु और मिट्टी बदल गई। उस पहाड़ के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। कई लोगों का मानना है कि हनुमान का लाया हुआ पहाड़ आज भी युद्ध क्षेत्र के समीप मौजूद है। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग हैं। रुमासला के बाद जो जगह सबसे अहम है वो है रीतिगाला। हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में भी गिरा। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग होती हैं। तीसरी जगह है हाकागाला। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में हनुमान के लाए पहाड़ का दूसरा बड़ा हिस्सा गिरा। इस जगह की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। पूरे श्रीलंका में जगह जगह रामायण की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। हर जगह की अपनी कहानी है, अपना प्रसंग है। इस जगह की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर क्या है ये संजीवनी? दोस्तों, यह एक वनस्पति का नाम है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेला जिनेला ब्रापेटेसेर्स है। इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती है। वैसे तो रामायण में चार संजीवनी बूटियों का जिक्र है, लेकिन संजीवनी का 21वीं सदी में सिद्ध होना अभी भी बाकी है। वैसे अभी तक मृत संजीवनी की जांच हुई है और बाकी तीन बूटियों की खोज जारी है। जानकार मानते हैं कि आजकल चीजें एक या दो साल में तेजी से बदल जाती हैं, तो निश्चित रूप से त्रेता युग की इस बूटी में भी अंतर आया होगा। दोस्तों, मृत संजीवनी को आम भाषा में फेना कमल या कस्तूरी कमल कहा जाता है। ये हिमालय के 4,300 या 5,600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये रुई या बर्फ के गोले के समान दिखती है और इस पर सफेद फूल उगते हैं। हिमालय पर रहने वाले लोग इसे घर लाकर पूजते हैं
क्योंकि यह बूटी जीवन रक्षक मानी जाती है। ये हार्ट स्ट्रोक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय और जॉन्डिस में लाभदायक है। वैसे लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन्स की पहचान पर कार्य कर रहे 5 वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर PN खरे के अनुसार संजीवनी का संबंध पौधों के टेरिडोफिया समूह से है, जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले उन पौधों में से हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में सहायक हैं। इन्होंने बताया कि नमी नहीं मिलने पर संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये जीवित रहती है और बाद में थोड़ी सी ही नमी मिलने पर यह फिर खिल जाती है। यह पत्थरों तथा सूखी सतह पर भी उग जाती है। अगर संजीवनी का यह जीन्स दूसरी फसलों में मिला दिया जाए तो सूखा पड़ने की दिक्कत से राहत मिल सकती है। इसके इसी गुण के कारण वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन्स पाया जाता है जो इसे अन्य पौधों से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी असली पहचान भी काफी कठिन है, क्योंकि जंगलों में इसके समान ही अनेक ऐसे पौधे और वनस्पतियां उगते हैं जिनसे आसानी से धोखा खाया जा सकता है। मगर कहा जाता है कि 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैलती है। एक बात यह भी बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा सहित भारत के कई राज्यों में पाई गई। कुछ आयुर्वेद के जानकारों ने संजीवनी को द्रोणगिरी की पहाड़ियों पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर भी पाया। आयुर्वेद में इसके औषधीय लाभों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह न सिर्फ पेट के रोगों में बल्कि मानव की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होती है। संजीवनी के बारे में आज तक जितनी भी खोज की गई वो पूर्णतः सिद्ध नहीं हुई है। हमें और इंतजार करना पड़ेगा जब तक इस जीवन रक्षक बूटी की खोज पूरी नहीं हो जाती। लेकिन इन सभी स्टडीज और रिसर्च से एक बात सिद्ध हो गई है कि हजारों साल पहले लिखी गई रामायण में जिस जीवनदायिनी औषधि का बयान है वह केवल एक पौराणिक नाम नहीं, बल्कि उसका आज के युग में भी अस्तित्व है और हो सकता है आज वह अपने हल्के रूप में हमारे बीच हो। दोस्तों, जहां तक बात जड़ी बूटियों की है, प्रकृति के गर्भ में ऐसी कई बूटियां हैं जो कौमारे बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक है। संजीवनी बूटी भी इस तरह की एक वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। ऐसी कई अनेक हजारों बूटियों का जिक्र आयुर्वेद में किया गया है। दोस्तों, चूंकि बात जड़ी बूटियों की हो रही है तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए हमने प्राचीन आयुर्वेद और योग के अद्भुत ज्ञान को आप तक लाने के लिए आस्तिक हेल्थ केयर के नाम से एक नया चैनल बनाया है। प्रसिद्ध और योग्य आयुर्वेदिक वैद्य और योग गुरुओं के परामर्श से हर एक बीमारी का रामबाण इलाज बताया जाएगा। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आस्तिक हेल्थ केयर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी को भी दबाएं। जाते जाते हमने अपने दर्शकों के लिए व्हाट्सएप नंबर की सुविधा भी चालू की है। धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, आयुर्वेद और अध्यात्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस का लिंक आपको सीधे आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। किसी प्रकार का ग्रुप नहीं बनाया जाएगा, आपको डायरेक्ट हमारे नंबर से मैसेजेस आएंगे। दिन में 2-3 मैसेजेस आएंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610567777। इस नंबर पर मिस कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ एक बार मिस कॉल करके कॉल काट दीजिएगा, हमारे द्वारा आपको मैसेजेस आने लगेंगे। तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री राम। इसके अलावा दुर्गा साधना, विष्णु साधना, गणेश साधना, महादेव साधना, इन सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। इस वीडियो के टाइटल पर एक बार क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और आपको लिंक दिख जाएगी। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें। जय श्री राम। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें। जय श्री राम। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें। जय श्री राम।